हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीपावली दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपावली या दिवाली हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जिसे हर वर्ष हम लोग कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाते हैं। इस त्यौहार के आने से 5 या 10 दिन पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं और इस दिन लोग अपने घरों को दिए और जगमगाती लाइट की रोशनी से आकर्षक बना देते हैं। दीपावली के त्यौहार को मनाए जाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं, परंतु उनमें से कुछ विशेष कथा और कहानी जो प्रचलित है उसको हम लोग जानेंगे, जिससे पता चल सके कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो यहाँ देखिए, पहली कहानी या कथा है, दीपावली के दिन लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा क्यों करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। इस दिन लोग माता लक्ष्मी और गौरी जी के पुत्र गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है और समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तभी से माता लक्ष्मी के जन्म के उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और यही कारण है कि हम लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दूसरा कथा है और क्या कहानी, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने जन्म स्थल अयोध्या लौटने पे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कारण हुआ था। कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ से 3 वचनों को मानी और उन्हें ने वचनबद्ध कर दिया। माता कैकेयी के द्वारा दशरथ से मांगी गई 3 वचने, पहला वचन राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा वचन 14 वर्ष के वनवास के साथ दिए जाए अज्ञातवास, इसके बाद तीसरा वचन है भरत को बनाया जाए राजा। माता कैकेयी द्वारा मांगी गई इन्हीं वचनों के कारण भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा को मान रखते हुए वन में जाने लगे। तभी उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण तीनों 14 वर्ष के लिए पंचवटी यानी अभी वर्तमान में नासिक गए। उन्हें वनवास जाने के कारण उनकी सौतेली माँ कैकेयी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके पुत्र भरत अपने पिता के शासन के बाद अयोध्या का राजा बने। वन में जाने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों एक कुटिया बनाते हैं और उसी में तीनों लोग रहने लगते हैं। एक बार की बात है, जब लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी चुन रहे थे
तभी सुपनेखा नाम की एक राक्षसी उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है और लक्ष्मण को बार बार कोशिश करती है, तो लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और सुपनेखा की नाक ही काट देते हैं। तो सुपनेखा लक्ष्मण जी के इस स्वभाव से काफी अपमान महसूस की और अपने भाई रावण को सारी बातें बताई। तो रावण ने अपनी बहन सुपनेखा की बदला लेने के लिए भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की हरण करना चाहता है और इसीलिए उसने अपने मामा मारीच को स्वर्ण का हिरण बनाकर वन में भेज देता है और इसे देखकर माता सीता की मन आकर्षित हो जाती है और वे अपने पति राम से उस हिरण को पकड़ने को कहती है। तो भगवान श्री राम उस हिरण को पकड़ने चले जाते हैं और काफी समय होने के बाद नहीं लौटते हैं, तो माता सीता चिंतित होती है और लक्ष्मण जी को भेजती है। तभी वहां पर रावण आकर माता सीता का हरण कर लेता है। इसके बाद माता सीता की खोज में भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव तक पहुंच जाते हैं और सुग्रीव ने उनकी मदद करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं और सुग्रीव अपनी वानर की सेना के साथ माता सीता की खोज में लग जाते हैं। सभी नगरों में डूटने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चलता है। तब इसके बाद पक्षीराज ने उन्हें बताया कि आपकी पत्नी माता सीता को रावण ले गया है। तब भगवान श्री राम हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर रावण के महल पर चढ़ाई कर देते हैं और लंका पहुंचने के बाद कई दिन तक महान युद्ध के बाद रावण का वध हो जाता है और इसी दिन को पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है और रावण के वध के ठीक 20 दिनों बाद भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष का वनवास पूरा होता है और वे अपने जन्मभूमि अयोध्या लौटते हैं। तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम को लौटने पर घी के दिए जलाकर उनका स्वागत करते हैं और खुशी मनाते हैं। तभी से दीपावली यानी दिवाली का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।